खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। आड़ी रेखा, आड़ी रेखा, आड़ी रेखा को क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। बाई तिरछी रेखा, बाई तिरछी रेखा, इसे पीछे झुकी हुई रेखा भी कहते हैं। दाई तिरछी रेखा, दाई तिरछी रेखा, इसे आगे झुकी हुई रेखा भी कहते हैं। बाएं वक्र, बाएं वक्र, इसे आधा गोला भी कहते हैं। दाएं वक्र, दाएं वक्र, इसे भी आधा गोला कहते हैं। निचला वक्र, निचला वक्र, इसे नीचे झुका हुआ आधा गोला भी कहते हैं। ऊपरी वक्र, ऊपरी वक्र, इसे ऊपर की मुंह वाला आधा गोला भी कहते हैं। नमस्ते बच्चों, आज मैं हिंदी पहला कक्ष का संरक्षक रेखा के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ। रेखा को इंग्लिश में स्ट्रोक्स कहते हैं। पहला स्ट्रोक है स्टैंडिंग लाइन, इसको ऊपर से नीचे तक जाता है, जैसे एग्जाम्पल बिल्डिंग है। और दूसरा स्ट्रोक्स है स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन जैसे हम सो जाते हैं और इस अक्षर को पकड़ के रखते हैं, इसको स्लीपिंग लाइन कहते हैं। और दूसरा स्ट्रोक है स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन जैसे इसको माउंटेन कहते हैं। और दूसरा स्ट्रोक है कर्व, कर्व ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, और दूसरा कर्व ऐसे भी लिखते हैं, जैसे एग्जांपल मून और रेनबो। और दूसरा स्ट्रोक्स है सर्कल, बच्चों तुम लोग को सर्कल जानते हैं ना, इसको हिंदी में गोला कहते हैं। हम लोग बड़ा गोला भी लिखते हैं और छोटा गोला भी लिखते हैं, जैसे कंगन, कंगन इंग्लिश में बैंगल कहते हैं, जैसे लड्डू इसको गोला कहते हैं। इस रेखाओं को हम सीखकर हिंदी वर्णमाला बनाते हैं। वर्णमाला का पहला अक्षर हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले करो लिखते हैं और इसको जॉइन करके अनदर कर लिखते हैं, बाद में स्लीपिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। बच्चों मैं पहले बताया था ना, स्लीपिंग लाइन अक्षरों को जोड़कर लिखते हैं। हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर आ है, दूसरा अक्षर आ है, आ पहले हम लोग कैसे लिखते हैं, पहला कर और उसको दूसरा कर जॉइन करते हैं और स्लीपिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन और अनदर स्टैंडिंग लाइन लिखते हैं, बाद में स्लीपिंग लाइन लिखते हैं। ये हिंदी वर्णमाला का दूसरा अक्षर है आ। बच्चों हम लोग आज रेखा और वर्णमाला आ के बारे में आके बारे में बताया है।
धन्यवाद।